टूथब्रश की लड़ी देखकर या स्टेशनरी का सामान देखकर या चॉकलेट देखकर या पेस्ट देखकर आप चौंकिए मत। ये कोई किराने की दुकान नहीं और कोई महंगाई पे बात करनी है, बल्कि हम जबलपुर के एक थाने में खड़े हैं जहाँ ये नेकी का कमरा बनाया गया है। वैसे तो दीवार कहते हैं लोग, पर नेकी का कमरा ही है। देखिए यहाँ पर स्टेशनरी के बच्चों के पेंसिल, शॉर्पनर, रबर और चॉकलेट, टूथपेस्ट, चॉकलेट, ब्रश, उलन कपड़े, गर्म कपड़े हैं। इसके अलावा देखिए ये कॉपी किताब है, अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा करना चाहता है तो उसके लिए किताब रखी हुई है। स्टेशनरी का सामान है, उलन कपड़े, ये बहुत सारी चीज़ें। ये जो गरीब लोग हैं, जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनको ये मिल नहीं पाता, उनके लिए ये पुलिस, जबलपुर पुलिस की अनुकरणीय पहल है। और ये जबलपुर के गोरखपुर थाने में नेकी का कमरा बनाया गया। हमारे साथ इसके थाना प्रभारी एमडी नगोतिया जी मौजूद हैं। एमडी नगोतिया से पूछते हैं ये कैसे आइडिया आया कि भाई अमूमन तो पुलिस में लोग परेशान होकर आते हैं, अपनी पीड़ा लेके आते हैं, खुश करके भेजने का आइडिया कहाँ से आ गया? देखिए, जैसा कि हमारा विभाग का मोटो है देशभक्ति जनसेवा, तो देशभक्ति और कर्तव्य तो हम पालन करते ही करते हैं। साथ में एक संवेदनशीलता का रूप दिखाने के लिए, लोगों में पुलिस का डर दूर करने के लिए, जैसा वो डायलॉग था कि पहले से ही एक शोले फिल्म का डायलॉग, तो बच्चा जब कभी रोता था तो माँ उसको डराती थी कि बेटा चुप हो जाने तो गब्बर सिंह आ जाएगा। लेकिन अब माहौल चेंज हुआ है तो लोग उस डायलॉग को भूल चुके हैं। अब पुलिस वाले कहीं जाते हैं, बच्चे रोते हैं तो लोग डराते हैं कि बेटा चुप हो जाने तो पुलिस पुलिस पकड़ देगी। बच्चा बचपन से ही डरने लगता है पुलिस से, वो अपनी चाकर भी मदद नहीं ले सकता। तो इस थीम को दूर करने के लिए हमने एक पहल शुरू करी है सम्माननीय पुलिस अधीक्षक हमारे श्री आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशन में, कि अगर कोई भी बच्चा आता है, महिला पीड़ित या कोई भी बुजुर्ग आता है थाने में, आए तो एक अच्छा माहौल उसको मिले, परिवेश अच्छा मिले, थाने आने में लोग हिचकिचाए नहीं, अपनी समस्या खुल करके बताएं और यहाँ समस्या लेकर आए, लेकिन जब यहाँ से जाए तो खुश होकर के जाए, तो उनको लगे कि हम सही जगह पहुँचे, हमारे साथ न्याय हुआ। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये एक नेकी की दीवार कह लीजिए इसको, नेकी का कमरा ये कहते कमरा हैं। हमने तो ये ये नेकी के कमरे में हमने देखा कि बहुत सारा सामान है, खिलौना भी है, चप्पल है, जूते हैं, गर्म कपड़े हैं, कम्बल है। तो ये, और ये देखा कि सब नए हैं। तो ये अमूमन क्या होता है, लोग पुराने कपड़े दे जाते हैं पुराने, तो ये कैसे ख्याल, और ये कैसे चलाओगे पुलिस वाले, कैसे इसको बंद करेंगे? देखिए, हमारी नीयत अच्छी है और निश्चित रूप से उद्देश्य भी अच्छा है। तो हमने अभी ये तय किया है कि हमारे पुलिस विभाग में, हमारे थाने में हमारे वरिष्ठ अधिकारी गण हैं, पुलिस लाइन है, बहुत बल है पुलिस बल जबलपुर में। तो हमने शुरुआत यहीं से करी है कि हमारे थाने का जितना स्टाफ है, उनके यहाँ जो भी ओकेज़न होता है, कोई जन्मदिन है किसी का परिवार में या कोई भी ऐसा शुभ अवसर है, तो वो कई बार बाहर जाकर के डोनेट करते हैं। तो हम बाहर जाकर ना करके यहाँ पर कोई नई सामग्री डोनेट करेंगे और वो किसी ज़रूरतमंद को हम देंगे। तो ये क्रम निरंतर चलते रहेगा। प्रत्येक पुलिस वाले अपने जन्मदिन पर या अपने परिवार बच्चे के जन्मदिन पर कुछ ना कुछ सामग्री या नई डोनेट करेंगे और उसको हम डेफिनेटली जो ज़रूरतमंद है उनको हम वितरित करते रहेंगे। तो हमको भी अच्छा लगेगा, उनके परिजनों को भी अच्छा लगेगा। तो ये बताइए सर, ये आइडिया कहाँ से आया आपको? मतलब अमूमन पुलिस तो अपने अपराध में या लॉ एंड ऑर्डर में से जुटी रहती है, इस तरह के क्रिएटिव चीज़ें कैसे दिमाग में आई? देखिए, सेवा भाव होना चाहिए। सेवा भाव तो किसी भी तरीके से किया जाता है। अभी हमारा जो वो है अगला कदम, कि इसके साथ साथ हम अभी यहाँ पर जो हमारे पुलिस कर्मचारी है, कोई ज़रूरतमंद, किसी को ब्लड की ज़रूरत है, तो हम पूरा ब्लड ग्रुप का भी यहाँ पे सूची डिस्प्ले करेंगे, ब्लड देने का भी काम करेंगे। और शीघ्र ही हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मदद से और उनकी स्वीकृति के बाद में एक निःशुल्क एम्बुलेंस भी हम यहाँ उपलब्ध कराएंगे, ताकि ज़रूरतमंद को वो निःशुल्क हम सेवा सुविधा मिल सके। मतलब पुलिस जनसेवा का असली मकसद जो है वो पूरा बिल्कुल करने, देशभक्ति बिल्कुल बिल्कुल जनसेवा। जो हमारा नारा है देशभक्ति जनसेवा, उसको हम चरितार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ थाने का स्टाफ भी मौजूद है, उनसे पूछते सर आपने क्या तय किया, क्या दोगे आप, यहाँ क्या देने का रखा है? ये सर, हमारे जैसे बर्थडे हुआ, हमारे बच्चे का बर्थडे हुआ या हमारी सालगिरह आ जाती, तो कुछ ना कुछ डोनेट या बाहर जाके खाना खाते हैं, बच्चों परिवार को खिलाते हैं, बाहर इतना खर्च ना करके हम कुछ डोनेट कर दें, जो साहब से जरूरतमंदों को काम जो आए। ज़रूरतमंदों के काम आए। ये हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से सीख मिली, हमारे TI साहब से सीख मिली है कि नीयत अच्छी रखो, सोच अच्छी रखो, तो काम भी अच्छे अच्छे आपको विचार में आते मतलब रहेंगे। बहुत खुशी हुई ये देख बहुत के, मतलब बहुत खुशी हुई सर, बहुत खुशी हुई देख के। और अब जो बच्चे जो ले जा रहे हैं, जेल भी हंसते हुए जा रहे हैं, तो इनको देख के भी बहुत खुशी हो रही है। ये सचमुच जरूरतमंद बच्चे हैं जिनको सचमुच मदद करने की जरूरत है ना? हाँ सर, ये जरूरतमंद बच्चे हैं, ये मंदिर के आसपास बैठे रहते हैं, कई बच्चे मजबूर हैं,
इनको काफी किताब मिल गया है तो बड़े खुशी हो गए। बेटा ये बताओ क्या क्या मिला यहाँ से आपको, क्या बताओ क्या क्या बताओ क्या क्या है सामान, बताओ सामान क्या क्या है। टॉफी मिली, किताब मिली, गाड़ी मिली है, खिलौना मिल गया और ये नीचे चप्पल, चप्पल भी मिली, चप्पल मिल गई। कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा, खूब खुश हुई है ना। पढ़ाई करोगी अब? पढ़ाई करोगी? खूब कॉपी में लिखेंगे, खूब पढ़ाई करना है ना। तो ये बच्ची को देखो आज ये नेकी के कमरे से खिलौना मिला है, स्टेशनरी भी ली है, किताब कॉपी मिली और चप्पल मिली, बहुत खुश है। बच्ची की माँ भी है। आप क्या करती हैं और कैसे आपको पता चला कि यहाँ ये सब? सर ले आए थे, मैं मंदिर में बैठी हूँ सर, तो सर ले आए थे मेरी बच्ची को। सर ने बताया कि यहाँ आपकी जरूरत का सामान मिलेगा, जरूरत का सामान मिलेगा, आपको जो पसंद है आप ले आना। बहुत खुश हूँ सर। तो आपने क्या ये चप्पल आपने पहने? नई चप्पल? नई चप्पल पहनी सर। कितनी खुशी हुई? अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा, अच्छा लगा। और ये जो पुलिस वालों ने, अमूमन लोग पुलिस थाने जाने से डरते हैं, तो आप भी आई और ये सब देखा तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मेरे को डर नहीं लगा, अच्छा लगा था, देखते से खुशी मिली, खुशी मिली। तो ये देखिए कि ये जो पुलिस ने एक तरह से नया नवाचार किया है, एक तरह से नया वो किया है, देशभक्ति जन सेवा जो उनका नारा है, वो सचमुच में इस नेकी के कमरे को देख के साकार होता नजर आ रहा है। और इनकी अभी भी ये यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, बहुत क्रिएटिव हैं। और पहले जिस थाने में क्षेत्र में रहे भेड़ाघाट, वहाँ कई गाँव में इन्होंने नशा मुक्ति करा दिया था। गाँव में कहते हैं कि लोगों ने नशा करना छोड़ दिया था इनकी पहल पर। तो इस तरह के क्रिएटिव लोग पुलिस में होंगे तो निश्चित रूप से लोगों को उसको लाभ मिलेगा और इस तरह की चीज़ें आगे और भी लोगों को प्रेरणा देगी और लोग इससे जरूरतमंदों को मदद मिल पाएगी। अजय त्रिपाठी, ABP News, जबलपुर।